वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वेज मोमोज। इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। दो ग्रेटेड गाजर, एक शिमला मिर्च फाइनली चॉप किए हुए, एक प्याज फाइनली चॉप किए हुए, बीन्स ये ऑप्शनल है, दो हरी मिर्ची कटी हुई, धनिया की पत्ती और ग्रेटेड न्यूट्री नगेट। हमने इसको गर्म पानी में भिगो के रखा था। चटनी बनाने के लिए एक बड़े साइज का टमाटर, एक इंच का टुकड़ा अदरक, 8-10 कलियां लहसुन का और थोड़ी सी हरी धनिया और 4 मिर्चियों को हमने भिगो दिए थे। ये मोमोज चटनी बनेगा। ऑयल हमें सब्जियों को फ्राई करने के लिए, ये 1 कप पानी है। हम मैदा गूंधेंगे। हाफ टी स्पून नमक मैदे में हम डाल देंगे। 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से इसका सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। ये देखिए मेरा कितना अच्छा सा डो बनकर तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं, अपने पैन को गरम कर लिए हैं। मैं 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिए हैं, 1/2 टीस्पून ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरे को चटकने देंगे। अब हम उसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को थोड़ा सा चला लेंगे। बीन्स डाल दिया, गाजर डाल दिए और शिमला मिर्च को अब सब हमने ऐड कर दिया है। फिर इसको अच्छे से हम चला लेंगे। बहुत अच्छे से इसको कुक नहीं करेंगे, बस ज़रा सा ही इसको फ्राई करेंगे, क्रंची सा। अब इसमें हम ग्रेटेड न्यूट्री नगेट डाल देंगे, इसको भी मिला लेंगे। हरी मिर्ची कटी हुई, नमक 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, ये सिजवान चटनी है 1 टीस्पून, हमारे होममेड है, 1 टीस्पून सोया सॉस, 2 टीस्पून टोमेटो सॉस। अब ये सब कुछ हमने डाल दिया है, इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम अपने फिलिंग को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम आते हैं, हरी धनिया डाल देंगे, इसको अच्छे से मिला के इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम चलते हैं अपने मोमोज चटनी के लिए। 10-12 कलियां लहसुन ऐड कर देंगे, 1 इंच का टुकड़ा अदरक, 1 बड़ा साइज का टमाटर और थोड़ी सी हरी धनिया और ये 4 पीस मिर्चे जो हम भिगो के रखे थे। अब इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, फाइनली ग्राइंड कर लेंगे। अब एक पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, अभी अपना चटनी हम ऐड कर देंगे। चटनी अच्छे से उबलने लगा है, थोड़ा सा ऊपर ऑयल आ गया है। अब उसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 चिली सोया सॉस, 1 टीस्पून और
टोमेटो सॉस 1 टीस्पून हमने डाल दिया। अब हम अपने मोमोज को तैयार कर लेंगे। देखिए एकदम छोटी से पेड़े को बना लिया है। अब उसको हम बेल लेंगे इस तरीके से, इसी तरीके से हमने बेल लिया है। अब उसमें फिलिंग भरेंगे। देखिए अब इसको हम रैप कर रहे हैं, देखिए इस तरीके से बहुत आसानी से आपसे बन जाएगा। बस इसी तरीके से करके ये सब इसको हाथ में लेके थोड़ा सा हाथों से प्रेस करते हुए इसको घुमा लेंगे और उंगली के सहायता से इसको दबा देंगे। फिर देखिए इसी तरीके से हम और भी बना लेंगे। इसी तरीके से हमने सारे मोमोज को बना लिया है। अब इसको हम एक कढ़ाई में हमने पानी रख दिया स्टीम करने के लिए। ये देखिए मेरा पानी तैयार हो गया। उस पर एक झन्ने में हल्का सा ऑयल ग्रीस करके और उसको हम कढ़ाई के ऊपर रख देंगे। बहुत अच्छे से कई मोमोज एक साथ निकल आएगा इसमें से। और ये झन्ने वाला टेक्निक बहुत ही अच्छा है, हर घर में ये अवेलेबल होता है, इसलिए ये आसान तरीका है बनाने का। देखिए हमारा मोमोज बनके तैयार हो गया। कितने अच्छे बड़े बड़े फूल गए हैं, कितना खूबसूरत मोमोज बना है ये। अब हम इसको